आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन एंड द सेम इज ऑपोजिट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देर इज अ मैन। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एक सफल इंसान या औरत के पीछे लाइफ पार्टनर्स का हाथ होने के साथ साथ सैकड़ों लोग और भी होते हैं जिनका सहयोग होता है, जैसे ऑफिस कलीग, बिजनेस पार्टनर्स, माथहत कर्मचारी, रिश्ते नातेदार, कई बार तो बिल्कुल अनजान लोग आपके सफलता में सहयोगी बन जाते हैं। कुछ भी बड़ा करने और असाधारण करने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज एंड रिसोर्सेस को अपने हित में उपयोग किए बिना और सहयोग के बिना इस दुनिया में सफल होना नामुमकिन सा है। सो द ब्रॉडर योर नेटवर्क द बिगर योर रिसोर्सेस। जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी उतने ही ज्यादा ऑप्शंस और रिसोर्सेस के आप मालिक होंगे। और इसीलिए एक सफल व्यक्ति के लिए विपरीत मानसिकता वाले लोगों के बीच रहकर काम एंड कंपोज्ड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हुए दुनिया के बुरे बर्ताव वाले व्यक्तियों के साथ भी बेहतर रिलेशंस को मैनेज करने और एक बेहतर नेटवर्क बनाकर काम करने की क्षमता ही ये डिसाइड करती है कि एक इंसान जीवन में कितनी सफलता अर्जित करेगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कर पाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि हम लोगों से कनेक्ट करते हुए उनके नकारात्मक बिहेवियर के अनुसार उन्हें जज करते हैं और किसी के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन बनाकर उनकी भविष्य की प्रतिक्रिया को अज्यूम करने लगते हैं। और ऐसा करते हुए हम किसी भी व्यक्ति की क्षमता और उपयोगिता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर बैठते हैं। नतीजा, हम एक बेहतर टीम और नेटवर्क कभी तैयार ही नहीं कर पाते। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब लोग कई दफ़ा हमारे सोच और अपेक्षा के विपरीत हमारे साथ गलत और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, कई बार तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब नेचुरली हमारे मन में गुस्सा और बदले की भावना जन्म ले लेती है। कई बार तो हम पास्ट में लोगों के द्वारा हमारे साथ किए गए दुर्व्यवहार और नकारात्मक रिस्पॉन्सेस को सोच कर या याद कर गुस्से से भर जाते हैं, जिसे रोक पाना संभव नहीं हो पाता, जिससे हमारी क्रिएटिविटी और कार्य क्षमता दोनों कम हो जाती है। और कई बार तो लोग गलत निर्णय के शिकार होकर अपनी जिंदगी ही तबाह कर लेते हैं। दोस्तों, मानसिक अशांति और बदले की भावना के साथ एक इंसान कभी भी क्रिएटिव सोच ही नहीं सकता। अगर आप मेरी इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और इस समस्या से बाहर निकलकर अपने इस एक जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं और दूसरों के दुर्व्यवहार से डिस्टर्ब हुए बिना और पूरी तरह से उन्हें लेट गो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं 8वें प्रीसपोजिशन की बात करने वाला हूँ। और ये प्रीसपोजिशन मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इस प्रीसपोजिशन ने मेरी और मेरे हजारों क्लाइंट्स की सोच बदल दी और दूसरों के दुर्व्यवहार को लेट गो करने में गजब की सहायता की। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस प्रीसपोजिशन को प्रैक्टिस में रखा तो आपके दुश्मन भी आपके एडमायरर बन जाएंगे और आप अपने दुश्मनों से भी अपना कार्य सिद्ध करवा लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन इंसाइटफुल कंटेंट आपको और भी देखने को मिलता रहे। टॉपिक पे वापस लौटते हैं। दुनिया में कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव इंसान अपने दुर्व्यवहार से आपकी मानसिक शांति छीन नहीं सकता। अगर आपने NLP के इस 8वें प्रीसपोजिशन को पूरी तरह से समझ लिया और इसे दुनिया में हर तरह के लोगों के व्यवहार को देखने का फ्रेम बना लिया, क्योंकि NLP की 8वीं प्रीसपोजिशन कहती है दैट अंडरलाइंग एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, यानी किसी भी इंसान के बुरे से बुरे बिहेवियर के पीछे नियत सकारात्मक होती है। चाहे व्यवहार कितना भी बुरा हो, उसके पीछे इरादा हमेशा सकारात्मक ही होगा। इसे उदाहरण से समझाने के लिए दुनिया में दो सबसे खतरनाक सिचुएशन लेता हूं। पहला, कोई आपकी संपत्ति को आपसे छीनना चाहता है, और दूसरा, कोई आपकी हत्या करना चाहता है। इससे बुरा व्यवहार तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। माफ करें, ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके जीवन में ना आए, लेकिन इस वक्त आपको इससे बेहतर उदाहरण से समझाने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सो पहले सिचुएशन को लेते हैं।
जहां एक इंसान आपकी संपत्ति रुपया पैसा आपसे छीनना चाहता है। अब सामने वाले व्यक्ति का ये बिहेवियर जस्टिफाइबल नहीं है, कोई भी ऐसे बर्ताव का समर्थन कर ही नहीं सकता और न ही सही ठहरा सकता है। बिहेवियर नेगेटिव है लेकिन उस बिहेवियर के पीछे का इरादा पॉजिटिव होगा। कैसे? कोई भी इंसान अगर किसी की संपत्ति छीन रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? खुद को संपन्न बनाना, सामने वाले की संपत्ति छीनकर स्वयं को अमीर बनाना। अब इसके पीछे के उद्देश्य को देखते हैं। अमीर बनने से एक व्यक्ति को क्या मिलता है? सिक्योरिटी, खुशी, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। अब ये जो इंटेंशंस हैं उस आपराधिक व्यवहार के पीछे का, क्या ये नेगेटिव है? एब्सोल्युटली नॉट। बिहेवियर कैन बी रॉन्ग बट इंटेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि क्या इरादा या नियत सही होने से किसी को आपराधिक दुराचार करने की छूट दी जा सकती है? इसका भी जवाब जरूर दूंगा लेकिन दूसरे सिचुएशन को समझाने के बाद। अब दूसरे सिचुएशन को समझते हैं जहां मैंने कहा कि एक व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है। किन हालातों में एक इंसान सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है? जब उसे ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी वो हत्या कर रहा है अगर वो उसकी हत्या ना करे तो सामने वाला व्यक्ति उसे जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है, या उससे उसको उसके परिवार को खतरा है, या किसी ऐसे प्रकार का खतरा जिससे उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। अब फिर से इंटेंशन क्या है? खुद को सेफ रखना, खुद को बचाना, क्या खुद की रक्षा करना या बचना एक बुरा इंटेंशन है? ये इंटेंशन कहां बुरा है? इसलिए ये आठवीं प्रिसपोजिशन कहती है कि किसी भी व्यवहार के पीछे का इरादा सकारात्मक होता है। बिहेवियर कैन बी रॉन्ग बट द इंटेंशन इज ऑलवेज राइट एंड पॉजिटिव। यहां आपके जहन में जो सवाल था कि क्या इरादा या नियत सही होने से किसी को आपराधिक दुराचार करने की छूट दी जा सकती है, और अगर कोई मुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या मैं उस व्यक्ति का स्वागत फूलों से करूं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी परिस्थिति में गुस्से, बदले और दुर्भावना के साथ लिया गया कदम आपके लिए भी घातक ही होगा। किसी ने बहुत सही कहा है कि जब कभी आप किसी के दुर्व्यवहार का उत्तर आक्रोश या गुस्से में देते हैं तब ये ठीक इस प्रकार होता है कि आपने जलती हुई सिगड़ी यानी चूल्हे से जलते हुए कोयले का टुकड़ा उठाकर उसे दे मारा। प्रतिफल ये हुआ कि उस व्यक्ति को उस कोयले के टुकड़े से कितनी चोट लगेगी ये तो अलग बात है, लेकिन आप अपना हाथ जरूर जला लेंगे। यहां बात इसी पर्सपेक्टिव और परसेप्शन की हो रही है, और खुद के भीतर किसी और के दुर्व्यवहार से जन्म लेने वाली नकारात्मक सोच, गुस्सा और बदले की भावना से मुक्त होकर अपने मन को शांत रखते हुए और सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए सही प्रतिक्रिया देने और जीवन में आगे बढ़ने की हो रही है, ताकि आप जीवन के ज्यादातर पलों में ईर्ष्या, द्वेष और बदला लेने जैसी जहरीली भावनाओं से खुद को बचा सकें और अपने लक्ष्य और सफलता पर फोकस कर सकें और जीने का सुख और आनंद प्राप्त करें। और इसीलिए आप अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले किसी भी व्यक्ति के बुरे बिहेवियर के पीछे के इंटेंशन को समझ लें तो आपके रिएक्शंस और आपके बिहेवियर में एक कामनेस नजर आएगी, और धीर और स्थिर बुद्धि के साथ आप किसी भी व्यक्ति, संभवतः आपके दुश्मनों को भी प्रभावित करते हुए उनकी क्षमता और उपयोगिता को पूरी तरह से अपने हित में इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। आज के इस आठवें प्रिसपोजिशन के इंसाइटफुल और वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो लेसन यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो लेसन में जिस नौवें प्रिसपोजिशन की मैं बात करूंगा वो आज के प्रिसपोजिशन को और ज्यादा मजबूती देगा, और इस वक्त आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब भी। तो इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले लेसन के अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए, पसंद करने के लिए और मेरे प्रति आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।